हिंदू लड़कों ने ताजमहल के मकबरे पर चढ़ा दिया गंगाजल, ओम के स्टिकर लगाए, फिर करने लगे महादेव की पूजा। ताजमहल से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने दुनिया भर की नींद उड़ाई। मुसलमानों में भी मच गया हड़कंप। मुमताज की कब्र पर चढ़ा दिया गंगाजल, अकबर की कब्र पर लगा दिया ओम का स्टिकर। जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ वो इन दो लड़कों ने कर दिखाया। मकबरे पर गंगाजल चढ़ाने के बाद बोले, अबे ताजमहल नहीं तेजो महालय शिव मंदिर है। जी हाँ, कमाल हो गया, बवाल हो गया। हिंदू लड़कों के कारनामों से मुस्लिमों का बुरा हाल हो गया। गुस्से से मुस्लिम लाल हो गए। आगरा के ताजमहल में घुसकर दो युवकों ने मुख्य मकबरे पर ऊपर से गंगाजल चढ़ा दिया, दीवार पर ओम का स्टिकर चिपका दिया। युवकों ने दावा किया कि वो बोतल में गंगाजल लेकर आए थे। उन्होंने उसका वीडियो भी बनाया जिसमें वो कहते हैं कि अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, हर हर महादेव। जिसके बाद CISF ने दोनों युवकों को आगरा पुलिस के हवाले कर दिया। ये अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता श्याम और विनेश कुंतल हैं। दोनों मथुरा के रहने वाले हैं। हिंदू युवकों का दावा है कि ये ताजमहल नहीं बल्कि तेजो महालय शिव मंदिर है, इस वजह से इन दो लड़कों ने ऐसा काम किया है। वहीं DCP आगरा सिटी सूरज राय ने बताया कि दो युवक ताजमहल के अंदर गए, उन्होंने बोतल से परिसर में जल गिराया। CISF ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। CISF की ओर से लिखित शिकायत पर दोनों युवकों पर मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं मथुरा के अखिल भारत हिंदू महासभा जिला अध्यक्ष छाया गौतम ने बताया कि 31 जुलाई को मैं श्याम और बीरेश कुंतल के साथ कासगंज जिले के सोरो से कांवर में गंगाजल लेकर चली थी। 2 अगस्त की रात मथुरा पहुंची क्योंकि पहले ही हमने ताजमहल में गंगाजल चढ़ाने का ऐलान कर दिया था, इसलिए रात 12 बजे मुझे प्रशासन ने हाउस अरेस्ट कर लिया, लेकिन मैं पुलिस को चकमा देकर निकल गई। सुबह 7 बजे हम ताजमहल पहुंचे जहां पर श्याम और विनेश ने कांवड़ का गंगाजल ताजमहल में चढ़ा दिया। वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट ने कहा कि हमारे मथुरा के विनेश और श्याम ने तेजो महालय को गंगाजल से पवित्र कर दिया है। गंगाजल चढ़ाना हिंदुओं का जन्म सिद्ध अधिकार है। आज सुबह हमने गंगाजल चढ़ा दिया। अगर तेजो महालय के अंदर बिरयानी बनेगी, उर्स होगा, कौवाली होगी तो निश्चित रूप से यहाँ शिव तांडव भी होगा। सावन के महीने में हम लोग लगातार ऐसा करते रहेंगे। जब विदेशी और स्थानीय लोग ताजमहल के अंदर नमाज पढ़ते हैं तो उनसे माफीनामा लिखवा कर छोड़ दिया जाता है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि बिना शर्त हमारे कार्यकर्ताओं को भी रिहा किया जाए, नहीं तो ताजमहल और तेजो महालय में ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते ही रहेंगे। आपको बता दें कि पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ धारा 295 और 295A के तहत मुकदमा दर्ज किया है। धारा 295 में किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा या पवित्र स्थान को प्रभावित करना, इसके अलावा 295A में किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का जानबूझकर अपमान करना शामिल है। इन मामलों में अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है। पुलिस जांच में पता चला है कि श्याम बघेल की मथुरा के मंडी चौराहे पर हलवाई की दुकान है, वहीं दूसरा आरोपी विनेश कुंतल खेती का काम करता है। आपको बताते चले कि आगरा में ताजमहल के सेंटर पॉइंट पर एक मुख्य गुंबद बना है। इसी गुंबद के नीचे एक बड़ा तहखाना है जिसमें मुमताज और शाहजहां का मकबरा है। ये पूरे साल बंद रहता है, सिर्फ शाहजहां के उर्स पर खोला जाता है। इस दौरान 3 दिन तक ताजमहल में फ्री एंट्री रहती है। ये बेसमेंट में बना हुआ है, नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। इन्हीं सीढ़ियों के पास से इन दो युवकों ने जल चढ़ाया है। इसी बेसमेंट में शिव मंदिर होने का दावा भी किया जाता है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब ताजमहल को लेकर विवाद हुआ है। ताजमहल में विवाद की शुरुआत 1965 में ही PNO की किताब के बाद हो गया। इसमें ताजमहल को तेजो महालय बताया गया। इसके बाद ताजमहल को लेकर अक्सर विवाद उठते रहते हैं। पिछले साल एक भाजपा नेता ने ताजमहल के बंद पड़े 22 कमरों को खुलवाने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी भी डाली थी। ऐसे में आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या दोनों युवकों ने गंगाजल चढ़ा करके सही किया है या गलत किया है? जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट करके बताइएगा, और खबर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।